बिनो दया जन मनो मोदायनिय खे दया विश्व प्रेम विकास समुदया त्रैलो संपदया पूर्णानंद दया मदीय मनसे कांचे कणाम यच्छतो विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतरगतं पश्यन्नात्मनि मायया वहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राजाधिराज श्री जनक जी महाराज एक ज्ञान सत्र कर रहे थे। सत्र माने यज्ञ ही होता है। उस ज्ञान सत्र में बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे और अकस्मात आकाश मार्ग से नौ महात्मा उतर पड़े। ये महात्मा वैसे ऋषभदेव जी के सुपुत्र थे। ऋषभदेव जी महाराज मनु जी महाराज की पुत्र परंपरा में थे, प्रियव्रत की परंपरा में। ऋषभदेव जी महाराज की विलक्षणता थी कि उनको थे तो सौ पुत्र, किंतु सौ पुत्रों को वह जीवन जीने की कला के बताते बताते सत्संग की भी उन्होंने शिक्षा दी थी। जब कभी एकांत में अपने बच्चों के साथ बैठते थे ऋषभदेव जी तो सत्संग करते थे और अपने बच्चों को यही कहते थे, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और ये भोग के लिए नहीं मिला हुआ है। भोग योनि तो दूसरे शरीर में है। जितने प्रकार के भोग मनुष्य भोगता है वो सब के सब भोग अन्य योनियों में उपलब्ध हैं। नाहम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते ये बिट भुजाम ये न अयम देह
जो हम लोगों का जो देह है ना, यह कष्ट सहकर तप करने के लिए है, ये भोगों के लिए नहीं है। और उसका परिणाम ऐसा हुआ बंधुओं कि पहले पुत्र तो भरत जी महाराज ही थे जिनके नाम पर ये देश भारत देश है। पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड, जब श्री भरत जी महाराज राजा बने तब इसका नाम भारत पड़ा। और नौ बन गए थे महात्मा और वहां आकाश मार्ग से गमन कर गए थे, सिद्ध थे, सत्संग ही उनका जीवन था। तो जैसे निमि जी महाराज ने ज्ञान सत्र किया तो ये महात्मा सब वहां पहुंच गए। अब जैसे महात्मा पहुंचे तो निमि जी महाराज ने इन महात्माओं के स्वागत में एक बात कही। स्वागत में बात क्या कही? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये सबसे दुर्लभ यदि कोई शरीर है तो मनुष्य शरीर है। प्रातःकाल की सत्संग सत्र की चर्चा में मैंने निवेदन किया था इस जीव को, क्योंकि जीव अविनाशी है, जीव मरता नहीं है। और ये बात केवल सनातन धर्म वाले नहीं, ये बात मुसलमान भी मानते हैं, ये बात ईसाई लोग भी मानते हैं कि जीव मरता नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तो ये मान्यता है कि ये सब जितने कब्र में सो रहे हैं एक काल में ये सब उठ जाएंगे, सो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ये निश्चित है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है और जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव की एक विशेषता है कि ये चेतन है, जड़ नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का मल भी नहीं है, गंदगी नहीं है, पाप नहीं है, और ये अविनाशी है, कभी नाश इसका होता नहीं है। तो आप लोग कहेंगे फिर नाश किसका होता है? ये जो हम लोग दुखी होते हैं, मर गया, छोड़कर चला गया, ये केवल संघात का नाश है। जो पांच चीजों को मिला दिया गया, एक संघात बन गया, एक शरीर बन गया। गीता में भगवान इस शरीर के बारे में एक वस्त्र की उपमा देते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, कपड़ा बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाए, पहनने लायक ना हो तो हम छोड़ देते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेता है। मैं तो कई बार लोगों से पूछता हूं, कपड़े फटने से तुम मरे? बोले नहीं। मकान बदलने से तुम मरे? नहीं। गाड़ी बदलने से तुम मरे? नहीं। इतनी गाड़ियां बदल दी, कुछ पूछो नहीं। इतने कपड़े बदल दिए, इसी जन्म में कितने कपड़े बदल देते? पूरे जन्म भर में अभी तक किसी से पूछे कितने कपड़े बदले हो तो किसी को याद नहीं होगा। तो जैसे कपड़े बदलते वैसे शरीर बदल जाता है।
तो जीव अविनाशी होने के कारण ये चार प्रकार की खानों में घूमता रहता है। कभी उद्भिज पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, अच्छा इसमें भी उत्तम मध्यम निकृष्ट हैं, इसमें भी प्रजातियां हैं। अब जैसे पीपल का वृक्ष उत्तम माना जाता है, कई वृक्ष महानिकृष्ट माने जाते हैं, इसमें भी कैटेगरी है कौन सा वृक्ष कहाँ और कब और कैसे बनाया जाएगा। अच्छा ईश्वर की एक विलक्षणता बताएं आपको कि सबका पता है किसको कहाँ कब भेजना है, ये भी पता है। और ये बिल्कुल पूरा का पूरा विभाग है कि कौन से जीव को कौन सा शरीर दिया जाएगा और कितने काल तक दिया जाएगा और फिर कब उसको किस रोग के माध्यम से मारा जाएगा, फिर उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम है। ये अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों को लगता भले है कि अपने आप सब हो रहा है, जब कोई काम सिस्टम में चलने लगता है ना तो कौन किसको चला रहा है पता नहीं चलता। तो ये पूरी की पूरी सृष्टि सिस्टम में चल रही है और कहीं इसमें कोई नुन्नच नहीं है। तो ये शरीर फिर अलग अलग दिए जाते हैं, तो कभी वृक्ष बना दिया गया, ये पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले। आज भी मैं लेटे लेटे एक चिंतन कर रहा था कि हमारा हृदय है हार्ट, और हार्ट की गति से पूरा शरीर गतिशील हो रहा है, किंतु जो हमारे पैर के नाखून में जीवाणु हैं उनका भी जीवन तो हर हार्ट से ही है, किंतु उनको पता नहीं है। हमारे हड्डियों में भी जीवाणु हैं। आपका हमारा शरीर पूरा एक ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में सब अलग अलग जंतु हैं, खून में भी हैं, मांस में भी हैं, मज्जा में भी हैं, रक्त में हैं, वीर्य में हैं। तो ये सब के सब मैं उनको लेटे लेटे देख रहा था कि ब्रह्मांड कैसे है, और फिर विचार करने लगा कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये जो चलता फिरता ब्रह्मांड है हमारा, पैर से लेकर बाल तक का सबका सिस्टम है। अच्छा सब अलग अलग ढंग से संचालित दिखते हैं, बाल अलग ढंग से निकल रहे हैं, रोमें अलग ढंग से निकल रहे हैं, आँख अलग देख रही है, कान अलग सुन रहे हैं, जीभ अलग स्वाद ले रही है। अच्छा जीभ में भी कीटाणु हैं, एक चीज़ ऐसी नहीं जिसमें कीटाणु ना हो, पूरा का पूरा एक समुदाय। इतना भी मांस का टुकड़ा लोगे ना उसमें भी सूक्ष्म से देखो तो उसमें भी एक दुनिया है, ये बड़ी विलक्षण दुनिया है शरीर की। तो हमने कहा कि जैसे ये सारे के सारे कीटाणु हमारे हृदय के बल पर जीवित हैं, अगर हृदय गति करना बंद कर दे तो ये सब मर जाएंगे, ये फिर इनका जीवन नहीं रहेगा, ये बेचैन हो जाएंगे और फड़फड़ाने लगेंगे। जैसे हार्ट की गति रुकी तो ये सब के सब निष्प्राण होने लगेंगे। तो जैसे आपके हमारे शरीर में हार्ट है, हृदय है, वैसे पूरे संसार का हृदय भगवान है, पूरे संसार का। अब ये मत समझिएगा कि हार्ट हमारा किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए तो कैंसर के कीटाणुओं को वह जीवन न दे, वो इतना निष्पक्ष है हार्ट कि आपको जो भी रोग हैं उन रोगों के भी कीटाणुओं को हार्ट ही जीवन दे रहा है, उसको कोई विरोध नहीं है कि वो नहीं देगा। ऐसे ही ये समाज में दुराचारी पापाचारी लोग सब हार्ट की बीमारी, महाराज ये कैंसर की बीमारी है, किसी का कैंसर छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। तो अब ये जितने भी दुष्ट लोग हैं दुराचारी लोग हैं जिनसे बहुत हानि हो रही लोगों की,
वो भी एक भगवान के शरीर में एक रोग है, किंतु भगवान जैसे हमारा हार्ट सबको सप्लाई कर रहा है जीवन, ऐसे ईश्वर सबको सप्लाई करता रहता है। समय समय पर सब परिवर्तन, समय समय पर जीवन, समय समय पर इसका विनाश, तो क्या कहें, बिखर जाना, समय समय पर सब बिखेर देना, फिर समय समय पर मिला देना, ये ईश्वर का काम है। और ये ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को ईश्वर कहते इसलिए हैं, विष्णु पुराण में भगवान शब्द की दो प्रकार की व्युत्पत्ति हैं और दोनों एक जगह श्लोक हैं, एक खंड में श्लोक है। भगवान नाम किसका है, किसको भगवान कहते हैं, तो जो पहली व्युत्पत्ति है वो तो ये है कि भगवान माने भगवाला, जैसे धनवान शब्द है, ज्ञानवान शब्द है, विद्वान शब्द है, यशवान शब्द है, गाड़ीवान शब्द है, ऐसे शब्द है भगवान। इवान वाले वाला होता तदवान, विद्वान माने विद्या वाला, धनवान माने धन वाला, ज्ञानवान माने ज्ञान वाला, यशवान माने यश वाला, गाड़ीवान माने गाड़ी वाला, ऐसे भगवान माने भग वाला। और ये भग हैं छह, पहले जो रूप में भग बताए गए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सर्णाम भग इतीर्णः, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है और संपूर्ण कीर्ति जिसकी है, संपूर्ण धन है और संपूर्ण धर्म है और संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है। हम लोगों में तो थोड़ा थोड़ा होता है, अल्पता में है, थोड़ा वैराग्य भी है, थोड़ा ज्ञान भी है, थोड़ा यश भी है, थोड़ा धर्म भी है, किंतु भगवान में संपूर्ण है, पूरा का पूरा है। इसीलिए तो भगवान भगवान कहलाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा इतनी क्यों है, भगवत्ता उनकी क्यों है, कि सब में सम रहते हैं। इतना बड़ा परिवार हो गया था तब भी कोई टेंशन नहीं था, परिवार के यदि लिस्ट आपको बताने लगे तो आप घबरा जाओगे, करोड़ों में तो उनके बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक थे, 16,108 पटरानियां थी, सबसे 10-10 बच्चे थे, किसी से एक भी कम नहीं, गणित से, और एक एक बेटी थी। फिर चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही थी और सब एक साथ मर गए। यहां एक भी मर जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, और सब मर गए तो ये संपूर्ण वैराग्य, वैराग्य माने ध्यान रखना कोई बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य शब्द का जो अर्थ है, लोग समझते हैं वैराग्य माने छोड़कर भाग जाना, ये बिल्कुल नहीं है। आप कहां जाओगे भागकर, ऐसा कोई स्थान है जहां ये पांचों विषय न हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किससे भागोगे आप? अगर कोई जाकर जंगल में बस जाता है तो वहां से राग कर बैठता है। हमारे एक मित्र हैं, वो कसौली में अपनी कुटिया बना ली है, हिमाचल में साथ रहते थे पहले, अब वहां रहते हैं कुटिया में, तो कभी कभी हमारे पास आते हैं तो बैठे होंगे तो बड़े चिल्लाने थे, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो हमने काहे को तो जाके वहां बैठ गया है, अब वहां की आदत पड़ गई उसको, तो अब आदत पड़ गई तो ये कोई वैराग्य थोड़ी है कि वहां जाकर आदत पड़ गई, वहां के वातावरण में वो अभ्यस्त हो गया, राग वहां है। तो जैसे घर में राग था
आप लोगों ने सुना होगा ये कहानी, मुझे तो बहुत प्रिय है और मैं उसका कई बार चिंतन भी करता हूं। योग वाशिष्ठ, योग वाशिष्ठ में एक राजा की रानी है, उस रानी का नाम है चुड़ाला। वो बड़ी योगिनी है, सिद्ध है, आत्मज्ञानी है, हैरानी किंतु सिद्ध भी है और आत्मज्ञानी है, उसमें सिद्धियां बहुत हैं और आत्मज्ञान से अंतःकरण परिपूर्ण है। तो चुड़ाला को लगता था, और सचमुच में मैं तो कई बार कहता हूँ, पत्नी नाम ही उसका है जो अपने पति को पतन से बचा ले। अगर वो पति को पतन से न बचा पाई, पतन में ले गई, तो पत्नी थोड़ी है। तो वो समझदार थी, उसने सोचा कि राजा सत्संग करता नहीं है, राजा कोई साधन भजन करता नहीं, वेदांत सुनता नहीं, बहुत प्रयास किया किंतु धीरे 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 वो डोज देती रहती थी, वैराग्य की महिमा सुनाती रहती थी। तो एक दिन राजा को वैराग्य हो गया। अब राजा को जैसे वैराग्य हुआ तो वो राजपाट छोड़ के चला गया। अब राजपाट छोड़ करके जाने के बाद वहां एक कुटिया बना ली जंगल में, और कौपीन पहनने लगा और वहीं रहने लगा। अब उसके चित्त में अभिमान और आ गया कि हम इतने बड़े त्यागी हैं कि हमने इतना बड़ा राज छोड़ दिया, अब हम कपड़े नहीं पहनते, कौपीन पहनते हैं। रानी को लगा कि ये भी ठीक नहीं है, किंतु रानी सिद्ध थी, एक शरीर से वो तो राजकाज भी संभालती थी और दूसरा योग शरीर से वो राजा के पास पहुंच जाती थी, किंतु रानी बनकर नहीं जानती थी, चुड़ाला बन के नहीं जाती थी, एक सुंदर स्वरूप महाराज ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तेजस्वी। तो राजा उससे प्रभावित होते थे और वो अपना परिचय बताती थी कि मैं नारद जी का पुत्र हूं और ये बड़ी विशेषताएं बताती थी वो। अब वो बड़े प्रभावित होते थे, तो दोनों सत्संग करते थे बैठ करके। तो उन्होंने कहा, क्या छोड़ा तुमने, वैराग्य वैराग्य आप करते हो, इतना बड़ा राज छोड़कर, राग तो राग है, आप इस कुटिया से राग कर बैठे हो, कौपीन से राग कर बैठे हो कि कुटिया हमारी। तो उन्होंने तुरंत महाराज कुटिया में आग लगा दी और कौपीन में भी आग लगा दी। तो उन्होंने कहा, इसका नाम भी वैराग्य नहीं है, आप तो आश्चर्य माने कि नंगा व्यक्ति हो गया, कौपीन भी छोड़ दी और अभी कह रही कि वैराग्य नहीं है। तो बोले, निश्चित रूप से इससे तुमको कहीं ना कहीं घृणा थी, घृणा का नाम वैराग्य नहीं है। और त्याग का स्वभाव जो है, त्याग जब होता है तो त्याग तो सहज है। हम एक दिन ऐसे चिंतन कर रहे थे तो बहुत हंसने लगे, त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग सहज होता है, आप त्याग के साक्षी बन जाओ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप हमारी तरफ खिसक लो, आ जाओ, थोड़ा थोड़ा खिसक लो, पीछे जगह कम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये मैया बिल्कुल खिसकने वाली है क्या? आ जा, जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, उधर मत देख, वो बहुत सुंदर है, इधर देख हमारी तरफ, बैठने दे आराम से। तो महाराज, उन्होंने जो उपदेश दिया चुड़ाला ने, बहुत अद्भुत है वो। त्याग का जो स्वभाव बता रहा था, जिसे लोग त्याग त्याग त्याग, तो प्रकृति का स्वभाव है, एकदम सहज स्वभाव है, आप छोड़ो चाहे न छोड़ो, छूटता जा रहा है। मैं एक दिन विचार कर रहा था बैठे बैठे कि त्याग का व्यक्ति अभिमान करता है, किंतु त्याग न हो तो मर जाएगा। आप पूछो कैसे, ग्रहण करने के शरीर में यंत्र एक है,
भोजन पानी कहाँ से लेते हैं? मुंह से। और त्यागने के दो स्थान हैं, ग्रहण से ज्यादा त्याग होता है। और यदि ग्रहण तो करे कोई और त्यागे नहीं, हमको बढ़िया बादाम का हलवा खिला दिया गया, आप कहेंगे इतना बढ़िया हलवा था, अब तो हम त्यागेंगे नहीं, इसको पेट ही में रखेंगे, तो दो दिन के बाद डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ में त्याग तो सहज है, सबका जीवन में त्याग सहज है, त्याग तो प्रकृति का स्वभाव है। ये जो हम पकड़ कर रखना चाहते हैं ये प्रकृति के विपरीत है, प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो जो त्याग का स्वरूप में निवेदन कर रहा था, सहज जो त्याग हो रहा है उसमें कभी त्याग का अभिमान हो सकता है? आज तक तो हमने किसी को नहीं देखा कि बड़ा बढ़िया हलवा त्याग आया मैं, कोई नहीं बोलता है, चर्चा भी करना अच्छा नहीं समझते। जो हम त्याग कर आते हैं उसकी चर्चा करना अच्छा समझते हैं, और त्यागने का सुख बहुत है। जिस दिन बढ़िया त्याग होता है चेहरा खिला खिला रहता है, वाह आज तो बहुत आनंद में है, हमको बहुत खुशी होती कि अच्छा ऐसा भी त्याग का सुख होता है। आप देखना त्याग का सुख कैसा होता है। और प्रकृति की एक बात और बताएं, थोड़ा ये लपेट कर बोलता हूं, खुल्लम खुल्ला नहीं, क्योंकि हम लोग खुल्लम खुल्ला सुनने के अभ्यस्त नहीं है। संसार में जितने सुख हैं एक्स वाई जेड, सब के सब त्याग के हैं, ग्रहण के हैं ही नहीं। भले थोड़ी देर ग्रहण किया जाता है फिर त्यागा जाता है। संसार में लोग, कामी लोग मैथुन का सुख सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किंतु उसमें त्याग न हो, और त्याग अपने शरीर का जो सब सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है उसका होता है, बिना त्याग के सुख ही नहीं है। तो संसार के समस्त जो सुख लगते हैं इस प्रकार के विषय जन्य, वो त्याग की परंपरा में है। तो वैराग्य माने मैं निवेदन कर रहा था आप सबको, राग द्वेष की शिथिलता। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे, मैं किसी को बुलाता नहीं हूं और किसी को भगाता नहीं हूं। उन्होंने जीवन में कभी किसी को निमंत्रण नहीं दिया, न साधु को किसी को निमंत्रण दिया, और न कभी किसी को भगाया। आ जाओ स्वागत है, चले जाओ स्वागत है। हमको यदि जीवन जीने की कला सीखनी है तो केवल अपने को निहारो। आप यदि अपने को निहारोगे तो ये सब अपनी सत्ता में सहज हो रहे हैं। अपनी सत्ता में सूर्य रोज जा रहा है, आ रहा है, चांद आ रहा है, जा रहा है, मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग इसको देख ही रहे हैं सब लोग, इसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। गंगा किनारे आप बैठे हो, गंगा में फूल भी बह के जा रहे हैं, मुर्दा भी बह करके जा रहा है, हम केवल देख रहे हैं। तो जैसे गंगा का प्रवाह है ऐसे काल का प्रवाह है। हमारे एक महात्मा हमको कहते थे कि हम जहां रहते हैं वहां गंगा बहती है। मैं ऋषिकेश में था तो हमने कहा महाराज जी बहुत दिनों के बाद आए गंगा किनारे, तो हंसकर बोले मैं जहां रहता हूं वहां गंगा बहती है। तो मैंने हाथ जोड़कर पूछा कैसे गंगा बहती है? बोले जैसे तुम गंगा किनारे बैठ के देखते हो ऐसे मैं काल को देखता हूं। हमारे लिए प्रत्येक काल पवित्र है, प्रत्येक दृश्य पवित्र है। तो जब हमने कहा प्रत्येक दृश्य, वो उस समय बात समझ में नहीं आई हमको, आज समझ में आता है कि हर दृश्य पवित्र है, हर काल पवित्र है। क्यों पवित्र है?
कि उससे हमारा संबंध नहीं है। आपको बताएं, पवित्र को अपवित्र हम तब बनाते हैं, पवित्र को हम अपवित्र तब बनाते हैं जब उससे हम संबंध जोड़ लेते हैं। जहां आपने उससे संबंध जोड़ा, और एक बात आपको पक्की बता दें कि संबंध सजाति का होता है, विजाति का होता ही नहीं। संबंध आपका ईश्वर से हो सकता है, संसार से हो ही नहीं सकता। ये जितने संसार से आप संबंध बना रहे हो झूठे संबंध हैं, क्योंकि संसार और ईश्वर हमारे सजाति हैं, ईश्वर संसार नहीं है। हम सदा रहते हैं, संसार सदा रहता नहीं, सजाति है ही नहीं। हम सुखस्वरूप हैं, संसार सुखस्वरूप है ही नहीं। इसमें जो संसार में सुख नजर आता है ना, आप लोगों को एक जानकर आश्चर्य लगेगा कि जो जो पदार्थ आपको मीठा लगता है, मीठा में मिठास मिलाई, खीर में मिठास मिलाई गई है, गुलाब जामुन में मिठास मिलाई गई है, ये सहज मीठे नहीं है। तो जैसे आप किसी भी पदार्थ में, हमारी माताएं तो बड़ी कुशल है, ये तो करेला को भी मीठा बना देती है। हमने मीठा करेला खाया है, ये माताएं हमारी इतनी कुशल हैं, इतनी कुशल हैं कि बांस का भी मुरब्बा बना देती हैं। जो बांस होता है, बंबू, बंबू का मुरब्बा हमने खाया है। जब खाया तो हमने कहा किसका, बोले बांस का मुरब्बा। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि बांस का भी मुरब्बा बन सकता है, जैसे आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, वैसे बांस का मुरब्बा। तो जहां चाशनी मिला दी और मुलायम बना दिया तो मुरब्बा बन गया, चाशनी मिलाई और मुलायम कर दिया मुरब्बा बन गया। किसी भी चीज में चाशनी मिलाओ और मुलायम हो जाए थोड़ा, चाशनी का मजा है। तो संसार में जो जो सुख जहां जहां मिल रहे हैं, आप लिस्ट बना लो, उसमें आप अपनी चाशनी ना मिलाओ तो कोई मीठा नहीं है, क्योंकि इसमें मिठास आई नहीं है, मिठास सही नहीं हो सकती नहीं है। मिठास तो आपकी अपनी है, जहां आप अपनी मिठास उसमें लगा देते हो वहां मिठास बना जाना है। एक बार मैं कहीं बैठा था तो हमको सब्जी खिलाई गई कंकड़ों की, कंकड़ की सब्जी। तो जैसे मुख में लिया तो कंकड़ थे, तो हम थूकने लगे। तो खिलाने वाले ने कहा कि महाराज ये थूकने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा मारोगे क्या, ये अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे। बोले इनको चूस चूस कर बाहर निकालना है। तो बोले ये आपको इसलिए खिला खिला रहे, बता रहे हैं कि मांसाहारी जो लोग होते हैं वो हड्डियों को चूसते हैं, तो उसमें मसाला मिला करके और कुछ पदार्थ लगा कर उसको छोंक दिया। तो जैसे हड्डियां चूसी जाती है, वैसे हमने कहा ये काम हमारा नहीं है। तो मैं वो विचार कर, मैं तो सारा चिंतन अध्यात्म से जोड़ता हूं, जहां कोई घटना घटती है। हमने कहा रे राम राम, ये संसार लोग, संसारी लोग जो संसार से सुख पा रहे हैं, तो ये पत्थर की सब्जी तो खा रहे हैं। हमने कहा हमको तो एक दिन की पत्थर की सब्जी नहीं झीली, इनको रोज झील रही है। ये संसार के जितने सुख हैं, अब हम लिस्ट काहे को बनाए, अपने आप बना लेना। और एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ लो, अगर ये भ्रांति हो तो भ्रांति आज त्याग देना, किंतु त्यागने के बाद झगड़ा मत करने चले जाना किसी के पास। कोई किसी को कभी भी कहीं भी स्थिति में प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम जब जहां जिससे जैसे भी होगा वो अपने से ही होगा। नवारे कामाय प्रिया प्रिया भवती, बृहदारण्यक उपनिषद। प्रिया इसलिए प्रिय नहीं है कि प्रिया है,
पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि पत्नी है, पत्नी इसलिए प्रिय है कि पत्नी से अपने को सुख मिलता है। बोले नहीं, लोग दूसरों से भी प्रेम करते हैं। एक व्यक्ति जेल में था, उसको जेल से छूटने की बहुत तड़पड़ाहट। भाई क्यों जेल से छूटना चाहते हो? बोले हमारी प्रेयसी बाहर है, हम प्रेयसी से मिलेंगे। तो आप जरा विचार करो तो लगता तो है कि वो प्रेयसी का प्रेमी है, किंतु जैसे वो छूट करके आए और आते ही प्रेयसी दो थापड़ लगाए और दो गालियां सुनाए, तो फिर वो प्रेयसी प्री लगेगी? प्रेयसी से जीव को सुख मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति एक चोर था, बोले मुझे बाहर जाने की बहुत जल्दी है। बोले क्यों? बोले एक चोर से हमको पता चला, एक सेठ का खजाना वहां रखा है, उस खजाना को लूटना है। आप जरा विचार करो, लगता तो यह है कि उसको धन चाहिए, यह धन के लिए छूटना चाह रहा है, किंतु वो धन के लिए छूटना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। आप भ्रम मत रहिए, क्योंकि उसको लगता है कि धन मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसी भ्रांति चित्त में पड़ गई है लोगों के कि वो चीज मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, किंतु उसके साथ यदि आप अपने को न मिलाओ, न भोजन, न व्यक्ति, न धन, न वस्त्र, कभी सुख नहीं देते। हाँ, अपना मिलावट हो जाती है। हमको बचपन से, अब तो गुरुजनों की कृपा से ऐसा हो गया कि सब काम अलग ही हो गया, पता नहीं किसी जन्म का संस्कार होगा, मुझे को कपड़े बहुत फिट चाहिए होते थे। थोड़ा भी ढीला कपड़ा हो अपने को पसंद ही नहीं आएगा। तो पिताजी कुर्ता बनवाए, अब कुर्ता उनको लगा गर्मी का समय, इसको ढीला बनवा दे, ढीला बनवा दिया। जो हमने पहना, 8 साल की उम्र होगी लगभग, मुझे इतना दुख हुआ, जब तक उस कुर्ते को फाड़ नहीं डाला तब तक सुख नहीं मिला, क्योंकि वो कुर्ता ढीला था। अब कुर्ते में सुख होता तो चाहे जैसे पहन लेते, कुर्ता सुख नहीं था, वो हमारा जो मन बैठा है ना इस प्रकार का चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि अब ऐसे कपड़े पहनेंगे जो ढीले डाले ही होंगे, कहीं के नाप के ही नहीं होंगे। अब उसमें संतुष्टि है, कैसे भी लपेट लो, इधर लपेट लो, उधर लपेट लो, अब तो ऐसा लगता है चाहे जैसे पड़े रहो, हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि प्रीता का जहां तक संबंध है अपने से है, और ये बात जब आप सबको किसी को भी पता चल जाएगी ईमानदारी से कि हम प्रेम दूसरे से नहीं, प्रेम अपने से करते हैं, इससे विजाति से सहज वैराग्य होगा। वैराग्य करना वरना नहीं पड़ेगा। जो वैराग्य किया जाता है उसको फिर राग होने के चांस होते हैं। आज जबरदस्ती मानो उदाहरण कि हमको कोई रूप अच्छा लग रहा है और हम बार बार अपनी आंखें वहां से हटा रहे हैं कि नहीं, हमको रूप नहीं देखना है और ये रूप बंधन का कारण है, तो थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और फिर हमारी दृष्टि पड़ेगी तो फंस जाएंगे। महत्व बुद्धि घुस गई ना उसमें, और यदि महत्व बुद्धि है ही नहीं उदाहरण के लिए, तो कोई रूप हो फिर ना उसका चिंतन होगा, और चाहे उसके साथ रहो चाहे जैसे रहो, क्योंकि महत्व बुद्धि है ही नहीं। एक महापुरुष ने 2 अपने शिष्य तैयार किए, और पहले महापुरुषों का स्वभाव होता था कि शिष्य को विद्या अध्ययन कराने के बाद
उनको परिव्राजक बनाते थे, घुमाते थे, और घूमना चाहिए भी। तो घूमने से क्या होता है, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, बहुत प्रकार की संस्कृतियां मिलती हैं, कहीं सम्मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, कहीं गर्मी मिलती है, कभी बहुत धूप मिलती है, कभी बहुत प्यास सहनी पड़ती है, कभी बहुत ठंडी होती है, एक जैसा मौसम तो नहीं मिलता है और एक जैसे लोग नहीं मिलते। हमने अनुभव किया है, कहीं इसी भेष को देखकर लोग आरती उतारते हैं और कहीं इसी भेष को देखकर पत्थर भी लोग मारते हैं, दोनों बातें देखी। जहाँ सनातन धर्म संस्कृति के प्रति आदर है वहाँ इस भेष के प्रति आदर है। देखो साधु जाए तो माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, और जहाँ इस भेष के प्रति अनादर है, तो भारत में तो ऐसे भी केस हुए कि साधु के भेष को देखकर मार ही डाला। अभी एक हमारे महात्मा है, हमको गंगोत्री में मिले थे, गुफा में रहते थे, और वो हमारी गंगोत्री में कथा थी तो भिक्षा लेने के लिए आते थे गुफा से निकल करके, और दक्षिण के थे, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, किंतु कुछ संस्कार रहा होगा उनका, तो वो कथा खड़े होकर सुनने लगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, संगीत के बहुत अच्छे जानकार। तो हमारे राधिका शरण जी गाते थे तो गाने के लिए खड़े रहते थे, फिर वो सीखने लगे, फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, वो आए मिलने मेरे से, और 7 दिन में उनसे बहुत प्रेम हो गया हमसे उनको, मेरे को तो हुआ हुआ नहीं कुछ भी, किंतु मैं तो चला आया, वो वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आ गए किंतु वहाँ किसी से हमारा नाम तक नहीं पूछा था, ये पता था कि मैं वृंदावन में रहता हूँ। अब सबसे पूछते थे कि गोरे रंग के महात्मा हैं, ऐसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे। अब वहाँ तो बहुत वक्ता हैं, गंगोत्री कथा करने गए थे, नाम के बगैर वस्तु की पहचान कैसे होगी। वो 8 महीने तक खोजते रहे, ये तो भाषा का प्रॉब्लम। बाद में एक जगह हमारी होल्डिंग लगी थी, अच्छा उनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आए, तो फोटो उसमें देख ली, उसके बाद वो आ गए हमारे पास। फोटो देखे तो बोली ये जो फोटो है इसमें कान क्या नाम लिखा है, बोली ये नाम लिखा है तो अखंड आश्रम में रहते हैं। आ गए बहुत खुश, बोले 8 महीने के खोजने के बाद मिले। तो हमने कहा यहाँ कैसे है, बोले आपकी वजह से आ गए, मैं जमुना किनारे पड़ा रहता हूँ, फक्कड़ महात्मा है, अभी तो होते हैं तो रोज शाम को कभी आ जाएं, कभी कैसे आ जाएं, आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज अब बड़ी समस्या है घूमने में, बोले मैं माना गांव के उधर घूम रहा था और हमको मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया, बोले आईडी लाओ, समस्या आजकल बड़ी, हम अपनी पहचान स्वयं नहीं है, हमारी पहचान आजकल आईडी है, आप ये हो उसके प्रूफ करने के लिए आप काफी नहीं हो, कागज काफी है कि आप यही हो। उनके पास था नहीं तो बहुत मारा उनको, उनको लगा कि कोई जासूस है, तो बड़ी पिटाई हुई। तो बोले महाराज अब तो घूमना बहुत कठिन है। वो मैंने उनको कहा कि पहले मैं भी घूमता था, अब तो यही रह गया हूँ वृंदावन में। बोले समय से आपने काम कर लिया, बोले अब घूमने लायक नहीं। तो बहुत घूमने से अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ और अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, और अनुभव बड़े काम के होते हैं। अनुभव से व्यक्ति अपने को ऊपर उठा सकता है। शास्त्रीय ज्ञान एक अलग चीज है और जीवन का एक अनुभव अलग चीज है। तो महात्माओं को परिव्राजक बनाते थे, तो 2 महात्मा गुरु भाई निकले। अब जैसे गुरु भाई निकले दोनों, तो यात्रा करते करते हिमालय में वो दोनों एक जगह खड़े थे, तो बरसात में क्या होता है, जैसे बहुत तेज वर्षा हुई तो बहुत सारे नाले इतने तेज बहने लगते हैं, गहराई नहीं होती उनकी, किंतु ढाल होने के कारण पानी इकट्ठा होकर जैसे लगता है नदी आ गई है पहाड़ों में। तो एक नदी बहुत तेज बह रही थी, झरना था, नदी नहीं थी, उसको पार करना था, रास्ते में थी। वहाँ एक स्त्री भी खड़ी थी, रो रही थी, उसको भी पार जाना था। तो महात्मा ने पूछा क्यों रो रही हो, तो दूसरे गुरु भाई ने कहा गुरु जी ने कहा था स्त्री से बात नहीं करनी है। तो चुप रहे भाई, पीड़ा में है, स्त्री नहीं है वो। बोले स्त्री नहीं तो क्या है, बोले माँ है।
बोले माँ स्त्री नहीं होती है? बोले होती है। बहस होने लगी दोनों में। उन्होंने कहा पहले उसकी बात सुनने दो, बाद में बात करेंगे। तो उसने कहा कि हमारा यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहाँ हमारा बच्चा पढ़ता है, और 1-1.5 घंटे से ये इतना प्रवाह है, मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा देखो मैं निकल कर देखता हूँ। वो महात्मा कमर तक जल तक निकल कर गए और कहा कि तुमको यदि परेशानी न हो तो तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ। छोटे गुरु भाई को बहुत बुरा लगा कि गुरु जी ने कहा था स्त्री से बात मत करना, और ये बाबरा गुरु स्त्री को ढो रहा है। उसको पार किया और यात्रा में निकल गए। सालों के बाद जब गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी ने पूछा कि यात्रा कैसी रही? दोनों ने कहा कि आपके कृपा से बहुत नए नए अनुभव हुए, किंतु मुझे एक बात का कष्ट है। क्या कष्ट है? छोटे गुरु भाई ने कहा, बोले इन्होंने अपने कंधे पर रखकर स्त्री को पार किया था। गुरुजी ने पूछा कि ये बात सत्य है? तो बोले कि गुरुजी ध्यान तो नहीं है। अब एक साल में कितनी घटनाएं घटी। तो उसने कहा झूठ बोलता है, उस दिन हमारी बहस हुई थी। तो हाथ जोड़ करके कहा हाँ गुरुजी किया था, किंतु मैं तो भूल गया, उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं रहा। उस समय हमको लगा कि कार्य की आवश्यकता है, मैंने कर दिया। गुरुजी गदगद हो गए और छोटे वाले को डांटा, डांट करके कहा कि मूर्ख, उसने तो 4 मिनट 2 मिनट के लिए उसको धोया था और तू अपनी खोपड़ी में उसको साल भर से ढोता घूम रहा है। तो जिनके चित्त में बहुत महत्व बुद्धि होती है ना संसार के प्रति, अमुक के प्रति, वो दृश्य के साथ बंध जाते हैं, और जहां महत्व बुद्धि नहीं है वो दृश्य के प्रति बंधता नहीं है। घटना घटी हो गई, उस समय जो समय की आवश्यकता थी उस समय के आधार पर वो घटना घटी, काम पूरा हो गया। तो जो इस प्रकार का जीवन है, ध्यान दीजिएगा, सच्चा वैराग्य वही है जहां पकड़ नहीं है। अगर हम किसी चीज को पकड़ रखते हैं, चाहे वो राग से पकड़े चाहे द्वेष से पकड़े, लोगों को पता नहीं जितना राग पकड़ता है उतना द्वेष पकड़ता है, द्वेष कई बार ज्यादा मजबूती से पकड़ता है। हमने देखा है कि जिससे द्वेष हो जाता है बार बार तुमको वैसे उसकी याद आती है, खोपड़े में वो घुस जाता है। तो राग से भी बचे द्वेष से भी बचे। तो यदि राग द्वेष की शिथिलता होगी तो उसका नाम वैराग्य है, और वैराग्य सहज है जीव का। सरकना संसार का सहज स्वभाव है। जो हम बार बार पकड़ कर रखते हैं वो प्रकृति की विपरीत चीज है। जैसे हम जवानी को पकड़ना चाहते हैं कि बाल हमारे सफेद न हो, ये भी पकड़ नहीं है। हमारे गाल में झुर्रियां न पड़े। अभी एक देवी जी हमको मिली, उसके पति ने कहा महाराज ये डिप्रेशन की शिकार हो गई है। उसने कहा मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ और मुझे किसी से मिलना भाता नहीं। तो हमने कहा पूछा क्यों? तो बोले हमारे बाल गिर गए हैं, उसके बाल कम हो गए। अब उसको बाल के प्रति इतना महत्व बुद्धि। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं तो रोज चाहता हूँ कि बाल आए नहीं तो घुटाना ही ना पड़े। अच्छा हो गया तू गंजी हो जाए तो पूरी हो जा। तो और रोने लगी, बोले महात्मा होकर गंजी की बात कहते हो? हमने कहा नई टोपी बनवा लेना। बोले नहीं नहीं हम तो अगर बाल ज्यादा गिर जाएंगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे लगा हे भगवान इतना इसको देह के प्रति आराग है, और वो सहज प्रवृत्ति है। बाल आना बाल गिरना, जवानी आना बुढ़ापा आना, ये शरीर का सहज धर्म है। हम आप चाहे कितना प्रयास करें ये सारे के सारे बाल जो काले दिख रहे हैं एक दिन सफेद हो जाएंगे। ये प्रकृति का परिवर्तन है। जो परिवर्तन को सहज स्वीकृति दे उसी का नाम वैराग्य है। सहज स्वीकृति, कोई चित्त में कहीं भी खिंचाव ना हो। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे
कि वैराग्य जीवन का सहज स्वभाव है, त्याग सहज स्वभाव है, इसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं है कि हमने पसीना त्याग दिया, हमने बाल त्याग दिए, हमने मल त्याग दिया, जैसे अन्य चीजें हैं वैसे ये चीजें, और कम से कम इनका तो शरीर से संबंध भी है और चीजों का तो शरीर से संबंध भी नहीं है। इसलिए त्याग जो सहज स्वरूप है, तो डिमी जी महाराज ने उन योगेश्वरों को कहा कि हमको सबसे सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज समझ में आ रही है तो ये मानव शरीर है, क्योंकि ये बात हम ही आप समझ सकते हैं, ये बात कुत्ता नहीं समझ सकता है, ये बात हाथी नहीं समझ सकता है, ये बात शेर नहीं समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। आप किसी भी जंतु को ये बात समझाने के लिए जाओ तो समझ जाएंगे। आज मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, किसी ने भेजा था, बकरे को, कुत्ते को और बंदर को एक ट्रेनिंग दी गई थी। बकरे को तो ऐसा बैलेंस बनाता था वो कि डिब्बे के ऊपर डिब्बा लकड़ी का रख कर ऊपर भी वो चारों पैर से खड़ा हो जाता था। बंदर को भी अभ्यास कराया गया था। तो हमारी तो दृष्टि हर जगह अध्यात्म से जुड़ जाती है। हमने कहा इसको मार मार करके, कुत्ते को रोने की आदत डाली गई थी, वो हर प्रकार का रोना सिखाया था उसको, डंडा के बल पर रोता था कुत्ता। तो हमने कहा डंडे के बल पर इनको रोना तो सिखा दिया, शरीर का बैलेंस बनाना भी सिखा दिया, बंदर को चलना भी सिखा दिया, किंतु डंडे के बल पर कोई इनको ये नहीं समझा सकता है कि शरीर तुम नहीं हो। उनको लगता है कि मैं ही शरीर हूं। आप सबको भी ये भगवत कृपा से ये बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं, शरीरी हैं, कोई भी शरीर नहीं है। शरीर की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि शरीर इसमें रह रहा है, जब तक रह रहा है तब तक रह रहा है, और जब तक रह रहे हैं तब तक इसका ध्यान रखना कर्तव्य है, उसके बाद जब छोड़ दिया सो छोड़ दिया। ये शरीर और शरीरी का अलगाव यदि कोई कर सकता है तो मनुष्य कर सकता है। आपको क्या कहें, पशुओं में भी बहुत दिन तक संबंध नहीं रहते हैं, संबंध बहुत कम काल तक रहते हैं किसी भी पशु में। गाय भी बहुत बुद्धिमान है, किंतु एक काल के बाद गाय को ध्यान रहेगा कि बछड़ा मेरा है, बच्चा मेरे से पैदा हुआ था, भूल जाती है। बछड़े को भी ध्यान नहीं रहता कि ये मेरी माँ है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये संबंध है। किसी भी पशु को, गाय तो सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात कह रहा हूं, उनको भी संबंधों का बोध बिल्कुल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है, और बुद्धि है तो जड़ बुद्धि है, चैतन्य बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करने वाली नहीं है। एक मनुष्य में सबसे बड़ी तीव्र बुद्धि है, ये हर चीज को समझ सकता है, इसलिए इसका सदुपयोग करना सीखे। ये इसलिए शास्त्र की बात मैं सुना रहा हूं कि आपके पास में बहुत बड़ा हीरा रखा है, किंतु हीरे की कीमत नहीं अपने को, तो कभी यहां डाल देते हो, कभी वहां डाल देते हो, कभी इसमें फेंक देते हो, कभी उसमें फेंक देते हो। हमको नहीं थी, हमको कथा में किसी ने अंगूठी पहनाई, अब तो पहनना ही बंद कर दिया, सहज हो गया, कुछ बोझा शरीर ले ही नहीं पा रहा। अभी कपड़े का बोझा ले लेता है वही बहुत है, तो अंगूठी पहनाई, कोई उद्योगपति के यहाँ कथा थी, अंगूठी
हम तो कहीं बाथरूम में छोड़ा है। उनके यहां गए तो उसने कहा कि महाराज वो तो 5 लाख का हीरा था, उसमें आप बाथरूम में छोड़ा है। हमको ध्यान भी नहीं था कब कहां छूट गया, जैसे लगा 5 लाख का था तो हमको टेंशन होने लगा ये 5 लाख का हीरा छूट गया। उसके पहले उस अंगूठी के पीछे कभी कीमत ही नहीं हुई थी, कभी दिमाग में नहीं आया था कि ये अंगूठी काम की है, हमसे पड़ी है भाई पड़ी है। उस दिन उतार के छोड़ दी, बाद में फिर खोजा तो मैंने कहा कि पता लगाओ अंगूठी कहाँ है जहाँ छोड़ के आए थे। 4 महीने से उसके भी बाथरूम में पड़ी थी, उसकी भी नौकरानी को कीमत पता नहीं थी। तो जैसे हमने उनको बताया कि अंगूठी देखो वहाँ, तो बोले महाराज देखती हूँ बाथरूम में पड़ी हुई है, मिल गई। तो नौकरानी को कहा कि तेरे को पता है इतनी कीमती है, तो बोले पता होती तो मेरे ऊपर कर जाता, इसको बेच करके उतार देती। तो देखो कीमत ना पता होने के कारण हमको उसकी परवाह नहीं होती है। तो आपको सबसे बहुमूल्य, इससे ज्यादा मूल्यवान संसार में कोई दूसरा शरीर नहीं जो आपको मिला है। हमारे गुरुदेव कहते थे, स्वामी हंसानंद महाराज जिनके साथ बचपन में रहा, वो कहते थे कि एक आंख खराब हो जाए तो अरबों दे करके दूसरी आंख लगवा सकोगे, नहीं लगवा सकोगे। कितनी इस महाराज शरीर के कितने अंग कीमती हैं, एक एक अंग कीमती है इसका। और इतना बहुमूल्य शरीर हमको मिलने के बाद हमको इसकी आदर नहीं है। हमसे एक सज्जन बोले हमारे बच्चे हमारी आदर नहीं करते, हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करते हैं। तो हमने कहा तुम करते हो क्या? बोले मैं तो सबका करता हूं। हमने कहा अपना करते हो? बोले करता हूं। हमने कहा क्या करते हो? ये मनुष्य सबसे दुर्लभ शरीर है, इसका आदर करते होते तो ये चक्कर में नहीं पड़ते कि कोई हमारा आदर नहीं करता है। तुम उसको प्राप्त करने में लग जाते जिसको प्राप्त करने के लिए मिला है। ये पत्थर इकट्ठा करने में लगे हो, ये लोहा इकट्ठा करने में लगे हो, मिट्टी इकट्ठा करने में लगे हो, रेत इकट्ठा करने में लगे हो। इतना बीघा जमीन हो गई, ये रेत है खिसक रही है, इतना रुपया हो गया, इतना ये हो गया, ये आदर है कोई? नश्वर पदार्थ इकट्ठा करने में लगे हो। महाराज लोगों को होता है मेरे पास इतने बीघा जमीन है, अरे एक रेत का टुकड़ा लेके जाके दिखा तो मैं जानू। और वो कोई कहता नहीं कि अपने आप जोड़ रखा है। खेत ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं? मकान ने कभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं? रुपया ने कहा कभी मैं तुम्हारा हूं? मान न मेहमान, मैं तेरा मेहमान। कोई तुमको मानता है नहीं, एक वस्तु आपको नहीं मानती है। एक माता जी बहुत रो रही थी, अभी कुछ दिन की बात है, रुक्मिणी ब्याह हुआ था कथा में, रोती हुई आई, महाराज जी महाराज जी महाराज जी क्या हुआ? हमारा हार खो गया। वो रुक्मिणी ब्याह में पहना था और धर्मशाला में पता नहीं कहाँ उतार के रख दी, कौन ले गया। और बहुत रोए, पूरा धर्मशाला इकट्ठा हो गया। तो हमने कहा वारी वाह माता जी, हार का भार कम हो गया थोड़ा तो सुखी होना चाहिए, और तो रो रही है। तो बोली आपके पास में है नहीं इसलिए पता नहीं आपको, ये भार कम होता है तभी लोग रोने लगते हैं। और हमने कहा जिसके लिए तू रो रही है वो तो तेरे लिए रो रही ना है, अरे उसकी मौत चला जाने दे, जो हमारे लिए इसकी कीमत हमको नहीं प्यार तो उससे हमको क्यों प्यार है। आप सबसे बता रहे हैं आप अपने शरीर की कीमत करो, और अभिमान से नहीं स्वाभिमान से भरो कि मैं मनुष्य हूं। और भगवान ने हमको ये दुर्लभ शरीर दिया है, दुर्लभ शरीर, किंतु भाई है ये क्षण भंगुर। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए और बोले महाराज बहुत गरीबी है, गरीबी का दुख बहुत होता है,
उपेक्षा मिलती है, गाली मिलती है, कुछ कृपा करो, बहुत रोने लगे। उनके पास पारस पड़ा था, भगवत कृपा से पारस का दर्शन हमें भी हुआ है, एक संत के पास ही। तो पारस पड़ा था, उन्होंने कहा ले जा, एक महीने के लिए दे रहा हूं, और जितना चाहे ना उतना सोना बना लेना, तो उसके बाद हम वापस ले लेंगे। उसने कहा ठीक है महाराज, एक महीना तो बहुत समय होता है, एक महीना में तो हम काम पूरा कर लेंगे अपना। घर गया तो विचार करने लगा कि पहले एक ट्रक लोहा मंगवाएं, अब लोहा थोड़े बहुत से क्या होगा, तो एक ट्रक लोहा, किंतु एक ट्रक लोहा मंगाने के लिए पैसा चाहिए भी, और पारस कोई पैसा तो देती नहीं, उसका स्वभाव है कि लोहे से छुआ दो तो सोना बना देती। अब वो बेचारा योजना ही बनाता रहा कि कहाँ से, दो दिन बीते, चार दिन बीते, 15 दिन बीते, कि पहले ट्रक आए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, तब तक महात्मा जी याद होंगे, 3 महीना, 1 महीना हो गया। बोले लाओ, अब रोने लगा। बोले महाराज एक दिन का समय दे दो। बोले अब एक समय दिन का समय नहीं मिलेगा, तो ये काल परमेश्वर ने हमको भी मानव शरीर रूपी पारस मणि दी है, आप इससे परमात्मा को पा सकते हो, किंतु योजना बनाते रहते हो कि इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इतना हो जाएगा, उसके बाद इतना हो जाएगा, और इसको छोड़ने का समय हो जाएगा। सबसे पहला काम हम तो सच कह रहे हैं कि ये बाबूजी को बहुत बहुत बंधन है, इन बच्चों को देखता हूँ सत्संग बैठे हुए तो हमारा हृदय भर आता है, ये छोटे छोटी बहनों को, बच्चियों को देखता हूँ, ये संस्कार जो मिल रहे हैं उस महापुरुष की कृपा से मिल रहे हैं। नहीं, आज की दौड़ में तो सब लोग यही सिखाते हैं कि पैसा कमाओ, यही सार है, और बाद में मर के चले जाओ, और सब बेकार है। किंतु अध्यात्म यदि मिल रहा है तो सचमुच में भगवान की बहुत कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, ये शरीर क्षण भंगुर है। अब कोरोना काल में तो लगभग सबको ही इसका अनुभव हो गया होगा, कब कौन चला जाए कुछ पता ही नहीं। अच्छा, फटाफट काम होता था, फटाफट, तो कम से कम वो एक अलार्म था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे शरीर का किसी का पता नहीं है, क्षण भंगुर माने, अरे कभी कभी विचार करना, जैसे पानी का बुदबुदा होता ना, उसमें तो एक पानी की परत है, हवा ही कैद है, ऐसे शरीर में भी ऐसे ही है, हवा ही कैद है, प्राण है। ये शरीर का जिंदा रहना आश्चर्य नहीं है, मर जाना आश्चर्य नहीं, जिंदा रहना आश्चर्य है, कब कहाँ कैसे प्राण निकल जाए, इसकी बहुमूल्यता समझ करके, और ये सोचो कि भगवान ने ये पारस मणि दी है, इससे हम अपने को परमात्मा रूप में अनुभव कर सकते हैं, अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव कर सकते हैं। ये हम लोग जो अपने को छोटे उसमें कैद कर रखे हैं कि ये 4 हाथ का शरीर, 3.5 हाथ का शरीर, अमुक 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 अमुक, और इस अमुक अमुक की मान्यता के कारण अपने को आप काट रहे हो। अभिमान माने होता है उस बड़े से अपने को काट देना। आपने परमात्मा से अपने को काट रखा है, जिस दिन आप अभिमान छोड़ोगे, ईमान छोड़ोगे, नाप छोड़ोगे, उस दिन आप परमात्मा से आपको अपने को मिला दोगे। और मिला क्या दोगे, आप परमात्मा से मिले मिलाए ही हो, ऐसा कोई नहीं है जिसका संबंध परमात्मा से ना हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, हर परमात्मा रूप ही है, उससे कोई जुदा सत्ता है ही नहीं। भले ही नाम रूप में कुछ अलग अलग दिख रहा है, किंतु दूसरा कुछ है ही नहीं। एकमात्र सत्ता यदि कोई है तो वह ब्रह्म सत्ता है, और वह ब्रह्म सत्ता कोई दूसरी नहीं, हमारी अपनी सत्ता है।
इसको जिस दिन आप ये दो चीजों को हटाए, अहंता ममता, तो इसमें तुरंत आपको ये भासित हो जाएगा, आप सब भाग्यशाली हैं कि मनुष्य शरीर मिला और उसके बाद सत्संग मिला। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आप लोगों को शास्त्र मिले, जिन शास्त्रों के माध्यम से आप नित्य सत्संग करते हैं। नित्य सत्संग की बहुत महिमा है, लोगों को पता नहीं है। कोई फसली होते हैं, कोई असली होते हैं, कोई नकली होते हैं। कोई फसली, कोई असली, कोई नकली। ये जो भागवत की कथा कहीं कहीं होती है, सत्संगी पहुंच जाते हैं ना, ये फसली सत्संगी है। फसल आई, पहुंच गए, सात दिन सुन लिया, काम पूरा हुआ। और कई लोग महाराज सत्संग सुनने के लिए नहीं गए, किसी काम से गए तो बैठ गए, वो नकली हैं। और जो रोज सुनते हैं वो असली है। तो आप लोग जो रोज सत्संग करते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से गुरु कृपा से, गुरु अनुग्रह से, ईश्वर अनुग्रह से, शास्त्र अनुग्रह से आप सबको मिलाए हैं। और यह सत्संग आपके जीवन में सत्य को प्रकट करने वाला हो, यही ईश्वर के साथ प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।